गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि जो इमर्शन फॉर्म होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और इमर्शन कितना स्टेबल होगा वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा और कौन से टाइप का मेथड अपन उसके ट्रीटमेंट के लिए सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने थे, वो सब के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट था वो क्या काम करता है या उसका इमर्शन फॉर्म होने में कैसे रोल प्ले होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, उसके एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या करता है कि जो भी इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको डिक्रीज करता है। उसको डिक्रीज करने से क्या होता है कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उनको और स्मॉल कर देता है और स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसकी वजह से जो लार्जर ड्रॉपलेट्स होती है वो फॉर्म नहीं होती है, जो कि क्विकली सेटल डाउन हो जाती है लार्जर ड्रॉपलेट्स, तो वो फॉर्म नहीं होने से वो क्या होता है कि और जो इमल्शन है उसको स्टेबल बनाने में या क्रिएट होने में हेल्प करता है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स को छोटा करता है। और वो छोटी कैसे होती है ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट फॉर्म्स ए विस्कस कोटिंग। ये क्या करेगा कि जो भी ऑयल की जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उनके वहां पे क्या करेगा, एक विस्कस कोटिंग, उनके चारों तरफ एक विस्कस कोटिंग फॉर्म कर देगा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इसे कि ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होगी टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उस पर क्या करेगा, एक उसके चारों तरफ एक कोटिंग फॉर्म कर देगा। और इस कोटिंग की फॉर्म होने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं जब वो कोलाइड होती है, कोलाइड होके वो कोइलेंस होके बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना चाहती है, कन्वर्ट होती है, तो वो क्या करेगा, ये कोटिंग फॉर्म होने की वजह से ये ड्रॉपलेट आपस में कोलाइड होने पे भी कोइलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक तो इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करेगा, दूसरा एक विस्कस कोटिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, और जो ये इमल्सिफाइड एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, अगर सेम इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम ये भी क्या करते हैं कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेंगे, एक सिंगल डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, और जो दो ड्रॉपलेट है वो क्या करनी चाहिए, कोलाइड होने, अगर उनको कोलाइड होना है और कोलाइड होकर बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि जो इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स क्रिएट हुआ है, ठीक है, सेम चार्ज होने की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो रिपल्शन या रिपेल फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसको अगर वो कोलाइड करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा फोर्स उनको लगाना पड़ेगा, जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है दो ड्रॉपलेट के बीच में। ठीक है, तो ये वाला काम अगर रिपल्शन है उसको ओवरकम करेगी तभी उनका कोलाइंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इमल्शन क्या होते हैं कि नेचुरल मटेरियल्स हो सकते हैं, लाइक पैराफिन हो सकता है, ठीक है, या फिर रेजिन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, या मेटेलिक सॉल्ट वगैरह हो सकते हैं, या फिर कुछ कोलाइडल सेल्ट या क्ले वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एस्फॉल्टिंग वगैरह हो सकते हैं। तो ये ऑयल इंडस्ट्री या ऑयल फील्ड में जो अपन को जनरली इमल्सिफाइंग एजेंट मिलते हैं क्रूड ऑयल के साथ वो जनरली यही होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट जो काम क्या करेगा, इमल्शन को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और हेल्प कैसे करेगा, जैसे अपन ने देखा कि इंटरफेशियल टेंशन है उसको डिक्रीज करेगा ताकि बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है, या फिर उनके जो छोटी ड्रॉपलेट्स है उनके वहां पे एक विस्कस कोटिंग या फिल्म क्रिएट कर देगा, उसकी वजह से वो आपस में कोलाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन डी इमल्सिफायर। डी इमल्सिफायर क्या होता है, इमल्शन कैन बी ब्रोकन थर्मली और केमिकली। जो अपने इमल्शन क्रिएट हुआ है उसको अपन थर्मली मतलब हीट प्रोवाइड करके ब्रेक कर सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट या कुछ उसमें केमिकल्स ऐड करके उसको अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन कुछ केमिकल्स यूज करके किसी भी इमल्शन को ट्रीट कर रहे हैं या उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तब अपन जो केमिकल यूज कर रहे हैं उस इमल्शन को ब्रेक करने के लिए उसको बोलते हैं अपन डी इमल्सिफायर। और डी इमल्सिफायर को यूज करने का मेन पर्पज ये होता है कि जो भी अपना इमल्सिफाइंग एजेंट है उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, तो डी इमल्सिफायर जनरली क्या होता है कि डी इमल्सिफायर विच यूज टू ब्रेक द इमल्शन विच आर सोल्ड अंडर वेरियस ट्रेड नेम्स। ठीक है, जो ये डी इमल्सिफायर्स होते हैं अगर अपन खरीदने जाएंगे मार्केट में तो अलग अलग केमिकल्स
और अलग अलग ट्रेड के नाम से उनके जो ट्रेड नेम्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनके अंदर वो मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, देख टू न्यूट्री, वो उनका एक्शन या उनकी जो यूज करने का मेन पर्पज है वो क्या करेंगे कि न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट वर्क कर रहा है इमल्शन को ट्रीट, इमल्शन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डी इमल्सिफाई क्या करेगा कि उसका जो एक्शन है इमल्शन को क्रिएट करने का उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, देयर एक्सेसिव यूज कैन बी डिक्रीज द सरफेस टेंशन। अगर अपन डी इमल्सिफाई को बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट काम करने लग जाएगा, मतलब वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा और उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो लार्जर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रही थी वो उनको कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है, वो छोटी ड्रॉपलेट्स में ही रहेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो भी अपन ट्रीट कर रहे थे ऑयल एंड ऑयल जो इमल्शन को वो अपने लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा और हो सकता है कि वो एक रिवर्स इमल्शन क्रिएट कर दे। रिवर्स इमल्शन मतलब कि जो ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल अपना डिसकंटिन्यूस फेज में हो जाएगा और वाटर एक कंटिन्यूस फेज में हो जाएगा। ठीक है, जो ये रिवर्स इमल्शन क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसको ट्रीट करना, क्योंकि जनरली ऑयल फील्ड में जो अपने इमल्शन क्रिएट होते हैं वो क्या होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके चार इंपॉर्टेंट एक्शन होने चाहिए। तो डी इमल्सिफायर है उसको अगर वर्क करना है तो उसके अंदर क्या क्या, उसकी कैपेसिटी क्या क्या होनी चाहिए कि वो ये एक्शन को क्रिएट करे। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द ऑयल वाटर इंटरफेस। इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कर रहा था कि जो अपना सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन था उसको डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना चाहिए ऑयल वाटर इंटरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लॉकुलेशन, मतलब एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फ्लैक्स या छोटे छोटे फ्लॉक्स होते हैं उनको पास पास लाने की प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस करने का या ये एक्शन लेने का कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है कोइलेंस, मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में आके कंबाइन होके एक बड़ी लार्जर मास में कन्वर्ट होती है, वो एक्शन भी इसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है सॉलिड वेटिंग, मतलब जो भी सॉलिड है उसको अगर इमल्सिफाइंग एजेंट अगर अपना ऑर्गेनिक है या ऐसा कुछ है तो अपन क्या करें उसको ऑयल वेट में कन्वर्ट करें उस सॉलिड को, ताकि वो ऑयल के अंदर ऑयल के कंटिन्यूस फेज के थ्रू होते हुए सेटल डाउन हो, या फिर अगर कोई ऐसे वाटर बेस मड वगैरह भी बहुत सी बार इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करती है जो ड्रिलिंग मड होती है अपनी। ठीक है, तो अगर वाटर बेस है तो उसको अपन वाटर वेट करें ताकि जो कुछ सॉलिड है जो वाटर वेट होने से सेटल डाउन हो सकते हैं, तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उस सॉलिड को उसकी वेटेबिलिटी प्रोवाइड करे कि वो वाटर वेट में कन्वर्ट होने से सेटल डाउन हो रहा है या फिर ऑयल वेट में कन्वर्ट होने से सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डी इमल्सिफायर और क्या करेगा, व्हेन दीज एक्शंस आर प्रेजेंट दे प्रमोट द सेपरेशन। अगर ये चारों एक्शंस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे डी इमल्सिफायर में, देन वो क्या करेगा कि जो सेपरेशन प्रोसेस है ऑयल एंड वाटर की उसको प्रमोट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट डी इमल्सिफायर मस्ट हैव द एबिलिटी टू माइग्रेट रैपिडली थ्रू द ऑयल फेज, ठीक है, टू द ड्रॉपलेट इंटरफेस। अब जो डी इमल्सिफायर है उसके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो जो ऑयल का कंटिन्यूस फेज है उसके अंदर से रैपिडली पास करे, ठीक है, और कहाँ पे जाके उस पे रेस्ट करे कि जो ड्रॉपलेट का इंटरफेस है वहां पे। ठीक है, द डी इमल्सिफायर न्यूट्रलाइजेस द इमल्सिफायर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इमल्सिफायर। जो डी इमल्सिफायर है इमल्सिफायर को या इमल्सिफाइंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करेगा वो डिपेंड करेगा कि किस फायर किस टाइप का इमल्सिफायर वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक आयरन सल्फाइड क्ले एंड ड्रिलिंग मड कैन बी वाटर वेट, इनको क्या करे वो वाटर वेट करे, कॉजिंग देम टू लीव द इंटरफेस एंड बी डिफ्यूज टू वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ताकि वो क्या करे कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है उनके साथ कंबाइन करे और सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, जैसे दूसरे अगर पैराफिन या एस्फॉल्टिंग वगैरह है ये वाले इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट है तो उनको अपन क्या करते हैं ऑयल वेट में कन्वर्ट करें, सो दे विल डिस्पर्स इन द ऑयल, मतलब वो ऑयल कंटिन्यूस फेज में ही रहे उसके अंदर सेटल डाउन हो। ठीक है, ये था इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम होता है और डी इमल्सिफायर का क्या काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं
इमल्शन ट्रीटमेंट मेथड्स, इमल्शन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए जो भी ट्रीटिंग प्रोसेस या इक्विपमेंट, उसको अपन तब तक सेलेक्ट नहीं करते हैं जब तक कि अपन को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं है ऑयल एंड वाटर के, ठीक है। अगर मुझे इमल्शन को ट्रीट करना है तो उसमें मुझे पहले पता होना चाहिए कि जो मेरा इमल्शन क्रिएट हुआ है उसमें ऑयल एंड वाटर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर ये नहीं पता है या ये मैंने डिटरमाइन नहीं किया तब तक मैं कोई भी उसका ट्रीट करने का प्रोसेस या फिर उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करूंगी वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है, या सेलेक्ट नहीं कर सकती। इमल्सिफाइड ऑयल इज रिमूव्ड बाय वन और मोर ट्रीटिंग प्रोसेस, मतलब जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं, जो इमल्सिफाइड ऑयल है उसको ट्रीट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका है, या तो अपन सिंपल एक ही मेथड यूज कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में एक या दो मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है केमिकल एडिशन। केमिकल एडिशन मींस अपन कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे, लाइक डी इमल्सिफाइड की अपन बात कर रहे थे वो क्या था, इन जनरल एक केमिकल था वो क्या कर रहा था, इमल्सिफाइंग एजेंट के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा था ताकि अपना जो इमल्शन क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट ही ना हो, ठीक है। तो अपन कुछ केमिकल्स ऐड करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेटलिंग टाइम। अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी अपना इमल्शन क्रिएट हुआ है उसको एक प्रॉपर सेटलिंग टाइम प्रोवाइड करें, ठीक है। मतलब अपना हो सकता है कि इमल्शन ज्यादा स्टेबल नहीं क्रिएट हुआ, ज्यादा टाइट इमल्शन क्रिएट नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे कि कुछ सेटलिंग टाइम प्रोवाइड करेंगे ताकि ऑयल एंड वाटर है वो सेटल डाउन हो जाए, उनको एनफ टाइम मिले ताकि वो आपस में सेटल डाउन हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। या फिर अपन हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, ऑयल एंड जो इमल्शन है उसको टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करेंगे उससे इमल्शन को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कोएलेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखते हैं फर्स्ट मेथड अपना केमिकल एडिशन, ठीक है। जो केमिकल अपन ऐड कर रहे थे उसका क्या प्रोसीजर रहेगा या क्या वर्क करेगा, वो क्या करेगा, द पर्पज ऑफ ट्रीटिंग केमिकल्स द ऑयल एंड वाटर सेपरेट रैपिडली, ठीक है। जो केमिकल अपन यूज करेंगे उसका पर्पज क्या रहेगा कि वो ऑयल एंड वाटर को रैपिडली सेपरेट करे या उसको जल्दी से ट्रीट करे, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द ऑयल फिल्म अराउंड द वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब अपन ने जब बोला कि इमल्शन क्रिएट हुआ तो अपन ने बोला कि अपना क्या था, ऑयल कंटिन्यूस फेज में है और वाटर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स फेज में है, ठीक है, और वो उसके अंदर सस्पेंशन में है। वो डिस्पर्स फेज में सस्पेंशन में क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है उनके अराउंड एक कोटिंग बनी है, किसकी, ऑयल की फिल्म बनी है, उसकी वजह से वो सस्पेंशन में है, ठीक है। तो जो अपन केमिकल ऐड करेंगे उसका वर्क क्या रहेगा कि वो क्या करें, जो भी ऑयल फिल्म वाटर ड्रॉपलेट्स के अराउंड क्रिएट हुई है उसको ब्रेक डाउन करें ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपस में कोलाइड करें, बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो और सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑयल फिल्म को वो ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। और जो केमिकल्स है फॉर विच कौन सा केमिकल अपन को सेलेक्ट करना है उसके लिए एक बॉटल टेस्ट होता है, उसके थ्रू अपन देखते हैं कि केमिकल कौन से टाइप का अपन को यूज करना है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिक्वायर्ड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जो अपन को कितना अमाउंट ऑफ केमिकल अपन जो ऐड कर रहे हैं उसका अमाउंट अगर अपन को पता करना है तो अपन क्या, जैसे बोला कि अपन बॉटल टेस्ट यूज कर रहे थे, बॉटल टेस्ट कर रहे थे कि केमिकल कौन सा ऐड करना है, कितना ऐड करना है, ठीक है। बट उस बॉटल टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट मुझे केमिकल का ऐड करना है। अगर मुझे ये एग्जैक्टली पता करना है कि कितने अमाउंट में मैं केमिकल को यूज करूं या उसको ऐड करूं कि मेरा इमल्शन ट्रीट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपन इसको अपन तभी प्रिसाइजली बोल सकते हैं कि इतना केमिकल इतने अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब मेरा इमल्शन ट्रीट हो जाएगा। ये अपन को फील्ड में अप्लाई करके देखना पड़ेगा, फील्ड टेस्ट के जो डेटा होंगे उसी के अकॉर्डिंग अपन डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। व्हेनेवर चेंज ऑफ केमिकल इन ट्रीटिंग प्रोसेस फील्ड टेस्ट आर टू बी कैरिड आउट, अगर मुझे ट्रीटमेंट का प्रोसेस चेंज करना है या फिर मैंने जो पहले केमिकल यूज किया है उसको भी मुझे चेंज करना है, तो जब भी ऐसा होगा कि मुझे केमिकल जो मैं यूज कर रही थी ट्रीटमेंट के लिए वो मुझे चेंज करना है या मेरा जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है मुझे उसको चेंज करना है, देन अपन हमेशा क्या करेंगे कि
फील्ड टेस्ट करेंगे पहले और उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि क्या मुझे डिजायरेबल या एफिशिएंट रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या मेरा जो इमल्शन फॉर्म हुआ है वो अच्छे से ट्रीट हो रहा है। और अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम अमाउंट में केमिकल को यूज करें, ताकि कम अमाउंट में भी अगर केमिकल को यूज कर रही हूं मैं तो वो उसको इमल्शन को मेरे ट्रीट करके दे। ठीक है, अब मुझे द परफॉर्मेंस ऑफ केमिकल इंजेक्शन पंप्स या मीटरिंग पंप्स, जो मुझे केमिकल को इंजेक्ट करना करने के लिए मैं पंप वगैरह यूज करूंगी, ठीक है, या फिर कुछ मीटर्स वगैरह यूज करूंगी, तो मुझे उन सब का ऑपरेटिंग या उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, मुझे वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कि सेग्रीगेशन ऑफ वेल्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, मैं क्या करूंगी कि एक सेग्रीगेशन अलग अलग कर लूंगी, वेल्स को सेग्रीगेट कर लूंगी कि कौन से वेल से किस टाइप का ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और उससे किस टाइप का इमल्शन, स्टेबल इमल्शन क्रिएट हो रहा है या फिर नॉर्मल इमल्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेग्रीगेट करके फिर मैं ट्रीटिंग प्रोसेस या केमिकल एडिशन वाला प्रोसेस यूज करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल सिलेक्शन। बिफोर सिलेक्शन ऑफ द केमिकल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रीटिंग इक्विपमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो भी केमिकल यूज करने वाली हूँ या उसको सेलेक्ट करने वाली हूँ, तो उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट यूज कर रही हूँ उसका कितना और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस ट्रीटिंग प्रोसेस में, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि कुछ डिफरेंट चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मेरे को देखूंगी कि जो सेटलिंग टैंक है मेरा, ठीक है, वो क्या है, उसकी साइजिंग क्या है। उसके अलावा मैं अगर वर्टिकल हीटर ट्रीटर यूज कर रही हूँ या फिर हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर यूज कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मुझे जो ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज कर रही हूँ उसमें मैं सेटलिंग टाइम कितना रख रही हूँ कि मेरा जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स अगर कन्वर्ट हो रही है लार्जर ड्रॉप में तो उसको सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, या मैं उसको कितना रिटेंशन टाइम प्रोवाइड करूँ। ठीक है, वहां पे ऑयल जो प्रेजेंट है या इमल्शन जो क्रिएट हो रहा है उसका विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, या फिर अगर मैं हीट उसको प्रोवाइड कर रही हूँ तो हीट के क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं उस पर, तो ये सारी चीजें मुझे वहां पे पहले कंसिडर करनी होगी, देन मैं सेलेक्ट करूंगी कि मुझे किस टाइप का केमिकल वहां पे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कंट्रोलिंग फैक्टर क्या क्या होंगे। कोई भी जो हीटर ट्रीटर या कोई भी इक्विपमेंट मैं यूज करूंगी तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन को फर्स्ट पता होनी चाहिए हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, कि मुझे उसका हीट कैपेसिटी क्या रहेगा वो पता होना चाहिए। उसके अलावा द मैक्सिमम सेटलिंग टाइम रिक्वायर्ड, जो सेटलिंग टाइम है वो मैक्सिमम मैं कितना प्रोवाइड करूँ कि मेरा वाटर ड्रॉपलेट उसमें से सेटल डाउन हो। ठीक है, नेक्स्ट अब जो एस्टिमेट करेंगे अपन हीट कैपेसिटी, उसके लिए मुझे क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मुझे डेटा पता होना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वेल फ्लूइड टू बी ट्रीटेड, मुझे जो वेल फ्लूइड है मतलब मेरे पास जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना है उसको मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इतने अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ट्रीट करना है। ठीक है, फिर कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन बाय वॉल्यूम की कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑयल है, कितना परसेंट है वाटर और ऑयल का, ठीक है, वो मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वेल फ्लूइड, जो वेल से मुझे फ्लूइड मिल रहा है उसका इनिशियली कितना टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैं हीट ट्रीटमेंट का मेथड यूज कर रही हूँ या हीट कैपेसिटी की बात कर रही हूँ तो मैं देखूंगी कि उसका जो फ्लूइड मुझे मिल रहा है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ट्रीटिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इमल्शन, मुझे कितना टेम्परेचर और प्रोवाइड करना पड़ेगा उस ट्रीटमेंट को या उस इमल्शन को ब्रेक करने के लिए या उस ट्रीटमेंट को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्लीन ऑयल टू बी ट्रीटेड, मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ ऑयल है उसको ट्रीट करना है। ठीक है, एवरेज सेटलिंग टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इमल्शन, ठीक है, एवरेज जो कितना टाइम चाहिए होगा मुझे उस इमल्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स या डेटा मुझे पता होना चाहिए किसी की इक्विपमेंट की हीट कैपेसिटी पता करने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं अपन केमिकल एडिशन की, बात कर चुके थे फर्स्ट मेथड की कि केमिकल ऐड करेंगे कैसे सेलेक्ट करेंगे वो सब, अब बात करते हैं अपन हीट ट्रीटमेंट की, हीटर ट्रीटर की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हीटर्स यूज कर सकते हैं अपन, हीटर्स क्या करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड मेथड अपना हीटर है,
उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हीटर होते हैं और इनडायरेक्ट हीटर भी होते हैं, ठीक है। अब हीटर्स का क्या काम होता है, हीटर आर दी वेसल्स यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बिफोर इट एंटर्स द गन बैरल, वॉश टैंक और ए ट्रीटर, ठीक है। हीटर्स का मेन काम क्या होगा कि जो भी मेरा फ्लूइड है, जो इमल्शन क्रिएट हुआ है, उसको अगर मुझे किसी भी ट्रीटिंग इक्विपमेंट में डालना है तो उससे पहले वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट क्रूड ऑयल इमल्शन, अपन वहां पे यूज करेंगे जो क्रूड ऑयल का इमल्शन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। टू टाइप्स ऑफ हीटर ट्रीटर कॉमनली यूज कर मतलब हीटर्स यूज करते हैं अपन अपस्ट्रीम ऑपरेशन में, डायरेक्ट फायर्ड हीटर और इनडायरेक्ट फायर्ड हीटर्स, ठीक है। अब बहुत टाइप ऑफ जो हीटर्स होते हैं उनमें जैसे आपने हीट एक्सचेंजर की बात करी थी उसमें शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर था, इसमें क्या होता है शेल होती है और एक फायर ट्यूब होती है। वो फायर ट्यूब का क्या काम क्या होगा कि वो हीट प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। और जो फायर ट्यूब में हीट जनरेट होगा वो या तो अपन वाटर को एज ए मीडियम वाटर बाथ में रखेंगे, मतलब वाटर को अपन हीट प्रोवाइड करेंगे, देन वाटर से जो हीट जनरेट हुई वो उस इमल्शन को मिलेगी, ठीक है। या फिर इनडायरेक्ट हीटर्स है उनमें क्या होता है कि एक थर्ड एलिमेंट और होता है जिसको प्रोसेस कॉइल बोलते हैं, ठीक है। हीटर्स हैव स्टैंडर्ड एसेसरीज, जो हीटर्स होंगे उनमें अपना खुद का स्टैंडर्ड एसेसरीज होगी, उसके अलावा उसमें क्या होगा बर्नर्स होंगे, गैस रेगुलेटर होंगे, रिलीफ वॉल्व वगैरह होंगे, ठीक है। या फिर थर्मोमीटर्स होंगे, टेम्परेचर कंट्रोलर होंगे, ये सारे उसके एसेसरीज या एक्स्ट्रा जो उसके इक्विपमेंट होंगे उसके पार्ट होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट फायर्ड हीटर्स की, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फायर्ड हीटर में क्या होता है, इनडायरेक्ट फायर्ड हीटर ये डायग्राम में जैसे अपन देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट फायर्ड हीटर है, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि वेयर ऑयल फ्लोज थ्रू ट्यूब दैट आर इमर्स इन वॉटर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑयल या जो इमल्शन अपना फ्लो करेगा वो किसके अंदर से फ्लो करेगा, एक ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा और वो क्या है डायरेक्टली वो किसमें इमर्ज है, एक वॉटर में इमर्ज है, ठीक है। ट्यूब दैट आर इमर्जिंग वॉटर विच इन टर्न हीटेड बाई ए फायर ट्यूब, ठीक है। जो ऑयल फ्लो हो रहा है वो एक शेल या ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है और इस ट्यूब को अपन ने किसके अंदर रखा है, वॉटर बाथ के अंदर रखा है या वॉटर के अंदर रखा है। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फायर ट्यूब लगा रखी है, ये जो ट्यूब देख रहे हैं अपन ये वाली, ठीक है। इस ट्यूब का क्या काम होगा, इसके अंदर अपन क्या करेंगे एक फ्यूल सोर्स इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या गैसेस वगैरह यूज करेंगे और गैस और एयर का मिक्सचर क्या होगा कम्बशन क्रिएट करेगा, उस कम्बशन से क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगी और ये हीट क्या होगी इसके अंदर, ये जो फायर ट्यूब है ये हीट किसको प्रोवाइड करेगी, इस वाटर को, यहाँ पे क्योंकि वाटर प्रेजेंट है और ये वाटर जब हीट होगा तो ये वाटर की हीट की वजह से ये जो ट्यूब है जिसके अंदर अपना इमर्शन फ्लो कर रहा है वो हीट इसको मिलेगी और ये क्या मिल रही है, इनडायरेक्ट हीट मिल रही है। जब भी अपन हीट कर रहे हैं वो हीट डायरेक्टली उसको नहीं मिल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फायर्ड हीटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जरूरी नहीं कि अपन इसको फायर्ड ट्यूब के थ्रू ही हीट प्रोवाइड करें, हो सकता है कि अपन उसको अदर सोर्सेज भी यूज करें, ठीक है। वो अपन इलेक्ट्रिकल इमर्ज हीटर्स भी यूज कर सकते हैं उसको फायर करने के लिए, या फिर स्टीम वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और क्या होते हैं सेफ होते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट हीटर्स, ठीक है। ये इनडायरेक्ट हीटर्स होते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं, अगर सेफ्टी कंसर्न से बात करेंगे तो इनडायरेक्ट हीटर्स ज्यादा रिलायबल होंगे। फिर बात करते हैं अपन डायरेक्ट फायर्ड हीटर्स, डायरेक्ट फायर्ड हीटर में क्या होगा कि ऑयल फ्लोस थ्रू द इनलेट डिस्ट्रीब्यूटर एंड हीटेड डायरेक्टली बाय ए फायर बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर में ऑयल आएगा या इमल्शन आएगा, ऑयल इमल्शन, वो क्या होगा कि डायरेक्टली फायर्ड होगा, एक फायर बॉक्स लगा होगा उससे, ठीक है। डायरेक्ट फायर्ड हीटर्स आर क्विक टू रीच द डिजायर्ड टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि जो भी हीट है वो डायरेक्टली इमल्शन को मिल रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी अपन को
ट्रीटमेंट का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा उसको रीच करने में इसको बहुत कम टाइम लगेगा, ये जल्दी से उसको रीच कर जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंट, दे आर एफिशिएंट 70-95% एफिशिएंट कब होंगे, इफ फ्यूल गैस इज अवेलेबल, अपने पास फ्यूल गैस अवेलेबल है एंड हाई वॉल्यूम ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड, अगर अपन को हाई वॉल्यूम है ऑयल का उसको ट्रीट करना है तब ये क्या होंगे अपने लिए ज्यादा एफिशिएंट होंगे, अपन को एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब अपन ने जैसे बोला कि सेफ्टी कंसर्न की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट हीटर्स है वो ज्यादा सेफ होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें अपन ने बोला कि डायरेक्टली जो हीट जो फायर हॉक्स है उससे डायरेक्ट हीट ऑयल को मिल रही है, दे आर हैजार्डियस एंड रिक्वायर्ड स्पेशल सेफ्टी इक्विपमेंट, इसलिए इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट अपन को रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है ऑयल के, ठीक है, ऑयल देन स्केल में भी फॉर्म, जहाँ पे ऑयल साइड होगा वहां पे क्या होगा, अगर ऑयल या ऑयल इमल्शन है तो उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है अगर उसकी टेंडेंसी ये है कि वो स्केल फॉर्म करें तो उस साइड में क्या होगा स्केल फॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से जो हीट उसको डायरेक्टली मिल रही थी वो क्या हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो उस हीट को कम एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि अगर ऑयल का लेवल क्या होगा कि बिलो द फायर बॉक्स चला जाए या फायर ट्यूब चला जाएगा तब क्या होगा कि वो रप्चर हो सकती है फायर ट्यूब और उसकी वजह से मेजर फायर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़े से रिस्की टाइप के हीटर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को इसके लिए स्पेशल टाइप के सेफ्टी इक्विपमेंट पहले से ही इंस्टॉल करके रखने होते हैं। ठीक है, अब जो नए डायरेक्ट हीटर्स हैं, जो नए डिजाइन आए हैं उसमें क्या है, न्यू डायरेक्ट हीटर्स ऑल दी थ्री ट्रीटमेंट्स आर इंक्लूडेड, इसमें क्या जो नए अपने डायरेक्ट हीटिंग इक्विपमेंट या डायरेक्ट हीटर्स हैं, डायरेक्ट फायर हीटर्स, उसमें क्या होता है कि तीनों जो भी टाइप के इक्विपमेंट हैं उनको अपन एक साथ उसको एक साथ अपन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इन द न्यू डायरेक्ट हीटर्स लाइक केमिकल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सारे इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स, तीनों ही चेम्बर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उन चेम्बर्स को अपन यूज कर सकते हैं ताकि वो एफिशिएंटली ब्रेक कर सके इमल्शन को और उसको ट्रीट कर सके, और इस टाइप के इक्विपमेंट या इस टाइप के डायरेक्ट फायर हीटर्स को अपन बोलते हैं हीटर ट्रीटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हीटर ट्रीटर क्या होते हैं, इसमें भी दो टाइप के हीटर ट्रीटेड हीटर ट्रीटर होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वर्टिकल टाइप का हीटर ट्रीटर, एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइप का हीटर ट्रीटर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये आपका डायरेक्ट फायर हीटर है, इसमें क्या होता है कि ये जो फायर बॉक्स है डायरेक्टली उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हीटर ट्रीटर की बात करते हैं, ये क्या हीटर ट्रीटर आर इम्प्रूव्ड ओवर दी गन बैरल, मतलब जो सेटलिंग टैंक अपन यूज कर रहे थे उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, हीटिंग सिस्टम भी इसमें है, मैनी डिजाइन आर अवेलेबल फॉर वेरियस क्रूड, अलग बहुत अलग अलग टाइप के डिजाइन अवेलेबल है अलग अलग टाइप के क्रूड के अकॉर्डिंग और डिफरेंट फ्लो रेट्स के अकॉर्डिंग, कोरोजन के अकॉर्डिंग और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम बात करते हैं कि हीटर ट्रीटेड आर लेस एक्सपेंसिव, मतलब उनकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत कम होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इनका कम होता है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर हीट एफिशिएंसी, जो हीट ये प्रोवाइड करेंगे उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी हैंडलिंग, अब इनका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज की बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी लो है, इनका हीट कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल है अलग अलग वेदर कंडीशंस के लिए या अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अपन उनके डिजाइनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड लेस स्टोरेज स्पेस फॉर बेसिक सेडिमेंट एंड द सेडिमेंट्स, सैंड एंड द सेडिमेंट्स। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन की जो इनका रिटेंशन टाइम है वो जनरली कम होता है, मिनिमम होता है, वो होता है लाइक 10-30 मिनट्स। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो बिल्टअप ऑफ सेडिमेंट्स, इसमें क्या होता है कि अपन ने बोला कि जो सैंड एंड बेसिक सैंड एंड सेडिमेंट्स है उनके लिए स्पेस या स्टोरेज कम होता है, तो बहुत सी बार क्या होते हैं वो उसके बॉटम में या कहीं पे फॉर्म अप हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं टाइम टू टाइम क्या होता है इनका इंस्पेक्शन होता है, उसमें अपन देखते हैं कि कहीं पे स्केल या कोरोजन वगैरह फॉर्म नहीं हुआ हो, अगर हुआ है तो अपन उसको फिर से ट्रीट करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करे। ठीक है,
बात करते हैं वर्टिकल हीटर ट्रीटर की। वर्टिकल हीटर ट्रीटर क्या होगा, जैसे अपन डायग्राम में देख रहे हैं ये काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सेपरेटर जैसा ही दिखता है, बट उसमें जो सेक्शन थे वो सेपरेटेड डिफरेंट था, हीटर ट्रीटेड के सेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्टिकल हीटर ट्रीटर कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर चार मेजर सेक्शन होंगे, कौन कौन से, फर्स्ट होगा फ्री वाटर नॉकआउट, फ्री वाटर को नॉकआउट करने का सेक्शन होगा। फ्री वाटर को नॉकआउट करने का सेक्शन कौन सा होगा आपका, सबसे बॉटम पे होगा, जो भी अपना फ्री वाटर होगा उसको नॉकआउट या उसको ड्रेन करने का सेक्शन होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हीटिंग, यहाँ पे एक हीटिंग सेक्शन होगा जो इमल्शन को ट्रीट करने के लिए या उसको हीट प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट होगा वाटर वॉशिंग सेक्शन, वाटर वॉशिंग प्रोसेस देखा था अपन ने, उसकी उसको प्रोवाइड करने का एक सेक्शन अलग से होगा, ताकि जो भी ऑयल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल वाटर इंटरफेस से होके पास करे और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो आपस में कोलाइड होके सेटल डाउन हो, सेपरेट हो, ठीक है। उसके अलावा एक कोलांसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये चार मेजर सेक्शन होंगे इसमें वर्टिकल में, ठीक है। अब जो इनकमिंग फ्लूइड है वो एंटर करेगा टॉप से, यहाँ से जैसे अपन बात करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से अपना क्या है इमल्शन जो भी है वो यहाँ से इनलेट करेगा, इनलेट करके ये किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे एक डाउन कमर लगा होगा उसके थ्रू यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और जो फ्लूइड एंटर्स द टॉप ऑफ द ट्रीटर इनटू ए गैस सेपरेटर सेक्शन, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या है गैस को सेपरेट करने का सेक्शन है, उसके वहां से सेपरेट करेगा और डाउन कमर के थ्रू नीचे जाएगा, ठीक है। वेयर गैस सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड, इस सेक्शन में क्या होगा कि अगर कुछ अमाउंट में गैस प्रेजेंट है तो वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और गैस आउटलेट के थ्रू गैस आउटलेट पे मिल जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एडिक्वेट टाइम डाइमेंशंस आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट द गैस फ्रॉम द इनलेट, ये जो ट्रीटर हीटर ट्रीटर है उसका डायमेंशन है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि गैस भी अपनी उसके अंदर से सेपरेट हो, ठीक है। फिर इफ इट इज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ ए सेपरेटर, अगर ये सेपरेटर के बाद में लगा हुआ है हीटर ट्रीटर, देन क्या होगा जो गैस सेपरेशन सेक्शन है वो बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि अपन सेपरेटर में मोस्ट ऑफ द गैस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और फिर अगर ये जो सेक्शन होगा वो स्मॉल होगा और उस सेक्शन में क्या होगा एक इनलेट डाइवर्टर फिर मिस्ट एक्सट्रैक्टर होगा, उसके थ्रू गैस आउटलेट पे गैस सेपरेट होके मिल जाएगी, ठीक है। लिक्विड फ्लोस थ्रू अ डाउन कमर, जो लिक्विड है गैस सेपरेट हो गई, अब जो लिक्विड है वो क्या करेगा इस डाउन कमर के थ्रू टू द बेस ऑफ द ट्रीटर, ये ट्रीटर के बेस तक जाएगा जहां पे अपना क्या है फ्री वाटर नॉकआउट सेक्शन है, और फ्री वाटर नॉकआउट सेक्शन का काम क्या है कि जो भी फ्री वाटर है उसको वाटर आउटलेट के थ्रू आउटलेट पे प्रोवाइड करे, विच सर्व्स एज अ फ्री वाटर नॉकआउट, ठीक है। इफ द ऑयल फ्लो रेट्स आर मोर, अगर ऑयल की फ्लो रेट्स ज्यादा है देन वाटर आउटलेट पे वाटर को आने के लिए क्या होगा कि थोड़ा सा अपन को रिटेंशन टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल में से सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डाउन कवर से अपन को मिला है, फिर जो भी सेपरेटेड वाटर है वो फ्लोज आउट थ्रू द वाटर लेक थ्रू द लेवल कंट्रोल वॉल्व, जो भी वाटर हुआ है सेपरेट वो अपन को फ्री वाटर आउटलेट पे मिल जाएगा और वो किससे कंट्रोल रहेगा वाटर आउटलेट वॉल्व लेवल कंट्रोल वॉल्व से, ठीक है। इफ एनी गैस फ्लैश फ्रॉम द ऑयल ड्यू टू हीटिंग इट इज कैप्चर्ड ऑन द कंडेंसिंग हेड, इसमें क्या हुआ कि अगर किसी भी वजह से जो अपन हीट कर रहे थे फ्लूइड उसकी वजह से अगर कुछ गैस फ्लैश्ड आउट हुई है ऑयल के साथ, देन क्या होता है कि एक कंडेंसिंग हेड लगा होता है, कंडेंसिंग हेड का काम क्या होगा कि वो उस गैस को वहां पे कैप्चर कर ले, ठीक है। फिर एनी गैस दैट डिडंट कंडेंस, वो कंडेंस अगर नहीं हुई है गैस, देन वो क्या करेगी फ्लोस थ्रू द इक्विलाइजिंग लाइन टू द गैस सेपरेशन सेक्शन, देखो जैसे डायग्राम में अपन ने देखा था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है गैस इक्विलाइजर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडेंसिंग हेड भी लगा होगा, यहाँ पे अगर कोई भी गैस फ्लैश आउट हुई है हीट की वजह से तो वो क्या करेगी कंडेंसिंग हेड में जाएगी और कंडेंस आउट हो जाएगी, अगर वो कंडेंस नहीं हो रही है तो वो क्या करेगी इस गैस इक्विलाइजर लाइन के थ्रू पास होके कहाँ पे जाएगी गैस सेपरेशन सेक्शन में और वहां से वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है।
फिर क्या होगा, इफ दिस गैस पासिस थ्रू अ वेन टाइप मिस एक्सट्रैक्टर, जो भी गैस होगी वो पास करेगी जो भी मिस एक्सट्रैक्टर अपन ने लगा रखा है उसके थ्रू, ठीक है। फिर बात करें, अब अगर ग्रेट अमाउंट ऑफ लिब्रेटेड गैस है वहां पे, इट कैन क्रिएट एनफ टर्बुलेंस एंड डिस्टर्ब द इनलेट एंड इनिबिट द कोइलेंस। अगर ज्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट तो वो क्या करेगी, एक टर्बुलेंस क्रिएट करेगी, और टर्बुलेंस क्रिएट करने की वजह से जो अपना कोइलेंसिंग सेक्शन है जिसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपस में कोलाइड कर रही है, कलेक्ट हो रही है, कलेक्ट लार्जर ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है ताकि वो ऑयल में से सेटल डाउन हो जाए, तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। दे टेंड टू कीप द वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम सेटलिंग आउट एंड मे इवन कैरी ओवर द ऑयल आउटलेट। वो क्या करेगी, ऑयल वाटर जो ड्रॉपलेट्स है उनको कोलाइड होने से प्रिवेंट करेगी, और क्या करेगी कि जो भी सेटलिंग सेक्शन में अपन बात कर रहे थे वो ऑयल आउटलेट के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके साथ कैरी आउट कर देगी, ठीक है। द ऑयल लेवल इज मेंटेन बाय न्यूमेटिक और लेवल ऑपरेटेड डंप वाल्व, ठीक है। जो ऑयल का लेवल अपन मेंटेन करेंगे वो या तो न्यूमेटिक वॉल्व के थ्रू करेंगे या लेवल कंट्रोलर लगा के करेंगे, ठीक है। और वाटर का जो लेवल कंट्रोल होगा वो लेवल कंट्रोल वॉल्व से या इंटरफेस लेवल कंट्रोलर से कंट्रोल करेंगे या फिर एक्सटर्नल वाटर लेग से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये थे आपके वर्टिकल हीटर ट्रीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल ट्रीटर और हीटर ट्रीटर की, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।